हेलो एवरीवन, दिस इज किरण, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जब भी हम कभी कोई लैपटॉप लेने जाते हैं तो एक चीज के बीच में हम बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें इंटेल का प्रोसेसर लेना है या फिर हमें एएमडी का प्रोसेसर लेना है। और जब आप इस चीज के बारे में इंटरनेट पर सर्च करोगे तो कुछ इस तरह के टेक्निकल टर्म यूज किए जाएंगे कि उनको पढ़कर आप और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी कि एएमडी और इंटेल में से कौन सा प्रोसेसर अच्छा है और कौन सी सिचुएशन में। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो देखिए, कौन सा प्रोसेसर है ये टोटली डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट पर और आपके बजट पर। अगर आपका नॉर्मल रिक्वायरमेंट है जैसे कि जावा, पीएचपी, या फिर आपको नॉर्मल इंटरनेट ब्राउज करना है, या फिर आपको बेसिक कोई नॉर्मल वीडियो एडिटिंग करना है, तो आपके लिए एएमडी प्रोसेसर ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एएमडी प्रोसेसर का प्राइस काफी कम होता है इंटेल प्रोसेसर से। तो आपको बजट रेंज में भी काफी अच्छा प्रोसेसर मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों का बजट 23 या फिर 25,000 से कम है तो अगर आप एएमडी प्रोसेसर चूज करोगे तो काफी बेटर रहेगा आपके लिए। तो सबसे पहला कॉम्पेरिजन तो यही हो गया कि एएमडी के प्रोसेसर काफी ज्यादा सस्ते होते हैं इंटेल के प्रोसेसर से। तो अगर आप लोग कोई एएमडी का प्रोसेसर खरीदते हो और उसी के इक्विवेलेंट में कोई इंटेल का प्रोसेसर खरीदते हो तो इंटेल का प्रोसेसर काफी ज्यादा कॉस्टली होगा एएमडी के कंपैरिजन में। मतलब एएमडी के प्रोसेसर काफी ज्यादा चीप होते हैं। तो अगर आप कोई बजट रेंज में कोई लैपटॉप लेने का सोच रहे हो तो आप लोगों को एएमडी का प्रोसेसर चूज करना चाहिए। ये आप लोगों के लिए काफी बेटर ऑप्शन रहेगा। बट अगर आपका बजट 25,000 के ऊपर है और आप हैवी यूज के लिए लैपटॉप यूज करना चाहते हो, जैसे कि आफ्टर इफेक्ट या फिर एडोबी प्रीमियर प्रो जैसे एडिटिंग सॉफ्टवेयर या फिर हाई एंड गेम खेलना चाहते हो, तो आपको इंटेल प्रोसेसर के साथ ही जाना चाहिए। क्योंकि फर्स्ट, जब आप हैवी काम करोगे तो स्पीड अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है और इंटेल का स्पीड ज्यादा बेटर होता है एएमडी से। तो अगर आप इंटेल का प्रोसेसर यूज करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। एंड सेकेंड, इंटेल का प्रोसेसर लेस पावर कंज्यूम करता है एएमडी के प्रोसेसर से। तो अगर आप इंटेल का प्रोसेसर यूज करते हो तो आपका बैटरी थोड़ा लॉन्ग टाइम तक चलेगा। एंड थर्ड पॉइंट इज, इंटेल का प्रोसेसर थोड़ा कम हीट प्रोड्यूस करता है एएमडी के प्रोसेसर के कंपैरिजन में। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप इंटेल का प्रोसेसर यूज करते हो तो वो बिल्कुल भी हीट प्रोड्यूस नहीं करेगा। हीट तो प्रोड्यूस करेगा ही, बट एएमडी के प्रोसेसर से थोड़ा कम प्रोड्यूस करेगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये पता चलता है कि अगर आप 25,000 के ऊपर कोई लैपटॉप लेना चाहते हो, यानी कि कोई हैवी यूज के लिए कोई लैपटॉप लेना चाहते हो, तो इंटेल का प्रोसेसर एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अब आप लोगों के मन में एक डाउट आ रहा होगा कि जब एएमडी के प्रोसेसर में हीटिंग इश्यूज आ रहे हैं, पावर कंजप्शन ज्यादा हो रहा है और साथ में स्पीड भी कम दे रहा है, फिर भी मैं 25,000 के नीचे रेंज वालों में एएमडी के प्रोसेसर वाले लैपटॉप क्यों सजेस्ट कर रही हूँ? तो इसका आंसर ये है कि अगर आप कोई 25,000 के नीचे लैपटॉप ले रहे हो तो ऑब्वियसली आप उसको हैवी यूज के लिए तो नहीं ले रहे हो। तो इसमें अगर आप उसमें हैवी काम नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियसली ना तो उसमें हीटिंग इश्यूज आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ना ही उसमें पावर ज्यादा खाएगा आपका लैपटॉप, और ना उसमें आपको स्पीड रिलेटेड कोई इश्यू होंगे, और साथ ही साथ एक बजट रेंज में आपको एक अच्छा प्रोसेसर भी मिल जाएगा। बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के लिए कोई प्रोसेसर ढूंढ रहे हो या फिर कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हो, तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी कि आप एएमडी के प्रोसेसर की तरफ ही जाओ, क्योंकि एक तो ये चीप होता है और इससे आपके पैसे बच जाएंगे, क्योंकि इसके कंपैरिजन में अगर आप इंटेल का प्रोसेसर देखते हो तो वो काफी कॉस्टली आता है। तो उन रुपयों को आप इन्वेस्ट कर सकते हो ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट यानी कि जीपीयू में, और आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस, गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। अब अगर हम कंक्लूड करें तो कहीं ना कहीं इंटेल का प्रोसेसर ज्यादा बेटर होता है एएमडी के प्रोसेसर से। बट अगर आपका बजट 23,000 या 25,000 से कम है तो आप एएमडी के प्रोसेसर की तरफ जा सकते हो। बट अगर आप 25,000 के ऊपर कोई लैपटॉप लेने का सोच रहे हो तो देन गो फॉर द इंटेल प्रोसेसर, और अगर आप सिर्फ गेमिंग पर्पस के लिए जा रहे हो देन गो फॉर द एएमडी प्रोसेसर, अगर आप जीपीयू में इन्वेस्ट कर सकते हो तो। पर अगर आप सारे काम थोड़ा थोड़ा परफॉर्म करना चाहते हो, एडिटिंग वगैरह और थोड़े हैवी टास्क भी, देन आपको इंटेल के प्रोसेसर की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि इंटेल का प्रोसेसर एक बैलेंस्ड प्रोसेसर है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को काफी अच्छे से ये चीज समझ में आ गया होगा कि कब आप लोगों को एएमडी का प्रोसेसर चूज करना चाहिए और कब आप लोगों को इंटेल का प्रोसेसर चूज करना चाहिए। अगर स्टिल आप लोगों को कोई डाउट्स है तो बेशक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।